बालों का सफेद होना दोस्तों बुढ़ापे में या ओल्ड एज में होता ही है, लेकिन आजकल दोस्तों देखा जाता है बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हर लड़का लड़की के कहीं ना कहीं बाल सफेद हो जाते हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर की जो प्रॉब्लम है इसी को डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करें। अगर आप एक आरएमपी डॉक्टर हैं तो ये ज़रूरी है आपको जानना, या आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपको समझना भी जरूरी है कि आप क्या क्या पॉसिबल इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझेंगे कि बालों का सफ़ेद होना अगर है तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगता लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए बालों की, तो बाल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इनका स्ट्रक्चर होता है। बाल हमारे सुंदरता का बड़ा ही एक हिस्सा है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत तरह तरह के प्रोटीन्स होते हैं और कैरोटीन्स होते हैं, और इन सब का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा बिजी है कि आदमी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, जाहिर सी बात है। तो उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशंस की वजह से ये बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो उसकी तंदुरुस्ती आपको जो है पोषण से ही मिलती है। तो आजकल ये हो रहा है, कभी कभी देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10वीं 12वीं में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और इतने होते हैं कि पूरे ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो एक टिप यहाँ पे पहले तो ये दोस्तों कि अगर आपको बाल सफ़ेद लगता है, कई लोगों की आदत होती है कि एक बाल देखा उसको तोड़ लेते हैं, तो ये तोड़ने की आदत बहुत ही गंदी है, इसको आप ना करें। ठीक है, इससे आपके जो अदर हेयर्स हैं, आपके दूसरे बाल, उनकी भी जड़ें कमज़ोर होती हैं। तो तोड़े ना, और ना ही किसी तरह का कोई केमिकल लगाएं। ठीक है, आदमी यही करता है, भले ही एम्ब्रेसमेंट होता है आदमी को, लेकिन क्या करें, बीमारी होती है, कई तरह की होती है, किसी को भी हो सकती है, सही टाइम पर सही इलाज लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि आप बालों के साथ क्या कर सकते हैं, तो देखो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी डाइट। आप दवाइयाँ तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन फिर भी जान लो कि आपको दवाइयों से ज़्यादा डिपेंड आपकी डाइट पर करना है। आप ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फूड्स को लें जिनके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। कोशिश करें मल्टीविटामिन ज़्यादा मात्रा में लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें, और प्रोटीन रिच फूड्स ज़रूर से लें, अंडा चिकन ये सब ले सकते हैं, ऑयली जंक फूड इनसे बचें। कोशिश आपको पहले ये करनी है, मैदा जो होता है इनसे आपको बचना है, ये ओवरऑल आपके डाइजेशन को ठीक ख़राब करते ही हैं और आपके बालों को भी बुरा प्रभाव डालते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात किया दोस्तों कि कोई भी शैम्पू यूज़ ना करें। कई बार ऐसा दावा करते हैं लोग सड़क पर या कोई विज्ञापन में टीवी में कि ये बाल शैम्पू लगा लो या केमिकल लगा लो आपके बाल काले रहेंगे, कभी भी ऐसी चीज़ों को ट्राई ना करें। ठीक है, और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह का कोई केमिकल या शैम्पू या साबुन यूज़ किया हो तो उनके बाल सफ़ेद हो गए होंगे। बात की जाए इसके कारण की कि भैया ये होता क्यों है, तो देखो माल न्यूट्रिशन जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दूसरा जेनेटिक भी देखा जाता है। ठीक है, पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई, बाप दादाओं के साथ ही हुआ तो पॉसिबल है कि आपको भी हो जाएगा। दूसरा स्ट्रेस है दोस्तों, आप ज़्यादा चिंता करते हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो चिंता करना बहुत गलत बात है। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करना है, और इवन कई लोग तो बाल सफ़ेद हो गए उसी का टेंशन लेते हैं, तो उस वजह से चार और हो जाते हैं। तो खैर ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। ठीक है, एलर्जी होती है, कई लोगों को एलर्जी पेशेंट हैं तो उनके भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पर किसी तरह का कोई केमिकल सोप शैम्पू वगैरह हो सकता है। इलाज की बात किया है तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम पेंटोथेनेट का टैबलेट। कैल्शियम पेंटोथेनेट का टैबलेट 100 मिलीग्राम आप ले सकते हैं और सुबह शाम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो कैल्शियम पेंटोथेनेट की टैबलेट सुबह शाम आप दो भी ले सकते हैं। और कैल्शियम पेंटोथेनेट का एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम मैं अगर आपको बताऊँ तो कैराब्लैक के नाम से आता है, और थोड़ा महंगा पड़ता है, आप चाहो तो दूसरा ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन होना क्या चाहिए, कैल्शियम पेंटोथेनेट, कैल्शियम पेंटोथेनेट। ठीक है, सो इसको यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम, 15-20 दिन महीने भर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे आपके बालों के अंदर न्यूट्रिशन मिलेगा तो बाल काले होने लगेंगे। दूसरी टैबलेट की अगर बात किया दोस्तों एचबिट, ये टैबलेट का ब्रांड है दोस्तों, काफ़ी फेमस है। बेसिकली होता है इसमें बायोटिन है, तो चाहे तो बायोटिन की टैबलेट ले सकते हैं सुबह शाम एक एक खाने के बाद, तो ये भी आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, और न्यूट्रिशन देने के बाद आपको नेचुरली ब्लैक हेयर्स मिलते हैं। ठीक है,
और साथ ही पेंटोक्सिफाइलिन की टैबलेट आती है 200 मिलीग्राम की, इसको भी आप आधी आधी दिन में 3 बार दे सकते हैं, ट्रेंटोल के नाम से आती है। कैल्शियम पेंटोथिनेट हो गया, बायोटिन हो गया और पेंटोक्सिफाइलिन की टैबलेट 200 मिलीग्राम में आती है, आधी करोगे 100-100 मिलीग्राम में डिवाइड हो गई। अब ये 100-100 मिलीग्राम आपको दिन में 3 बार देना है, दिन में 300 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम खाने के बाद पानी के साथ 10 से 15 दिन देंगे, रिजल्ट्स मिलेगा तो आप इसको और कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो आप इसको बंद कर दें, आपको ये सूट नहीं करेगा, ठीक है। ज़्यादातर लोगों में सूट करता है और बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो ये सारा ट्रीटमेंट चला सकते हैं अगर किसी लड़के, किसी लड़की, किसी आदमी औरत के बाल जल्दी सफ़ेद होने लगे हैं, ठीक है। मेन चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि आपको डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना है, डाइट आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोशिश ये भी करें कि किसी भी तरह का केमिकल आपके बालों में ना लगे और तोड़ना नहीं है। तो मुझे यकीन है कि आपको आपके बालों से, सफ़ेद बालों से छुटकारा मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।